सब्सक्राइब करें गार्निंग बॉय यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल का आइकन और उसे सेलेक्ट करें ऑल पे ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। आप सभी दोस्तों का वेलकम है। तो दोस्तों आज हम दोबारा से बात करेंगे एम्ब्रेलस लिली पे। दोस्तों ये पौधा कुछ इतना खूबसूरत है कि इस पर दिल करता है बात करते रहे आपके साथ। तो दोस्तों देखिए इसके कलर कितने ही जो कि अच्छे कुदरत ने दिए हैं, रेड और वाइट कलर दोनों मिक्स है। इससे पहले हमने अब जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी वो सिर्फ रेड पे थी। तो दोस्तों मैं दो तरह के बल्ब लाया था इसके। तो दोस्तों आज कुछ बात करते हैं। दोस्तों जब भी आप मार्केट से इनके बल्ब ले रहे हैं तो आप इनके बल्ब ही लें, आप इनके सीड ना लें मार्केट से, क्योंकि सीड में बहुत ही टाइम लगेगा। और अगर आप मार्केट से इनके बल्ब ले रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आपने बल्ब सर्दियों के समय लगा रखे हैं तो जैसे ही मार्च अप्रैल का टाइम आता है तो इसमें ऑटोमेटिकली ही हमारे जो प्लांट है वो तैयार होने लगता है, उसमें से एक लंबी सी स्टिक निकलती है और उसमें फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों देखिए कभी कभार इस पे चार फूल लगते हैं और कभी कभार तीन निकलते हैं। एक बल्ब में से दो स्टिक भी निकल आती, तीन भी निकल आती है और धीरे धीरे ये डिवाइड भी होते रहते हैं बल्ब। इसका बल्ब का साइज़ जो होता है वो प्याज की तरह होता है। तो आप जब भी मार्केट से बल्ब इसके ले रहे हैं तो आप ये चेक कर लीजिए कि बल्ब जहाँ तक हो तो बड़े साइज़ का होना चाहिए। आप छोटे साइज़ का बल्ब ना लें, बड़े साइज़ का बल्ब लें और देख लीजिए बल्ब कहीं से गला ना हो, कहीं से कटा ना हो। अगर आपका बल्ब सही रहेगा तो आप जल्दी फ्लावरिंग उससे ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें साल में दो दफ़े इसमें फ्लावरिंग होती है, एक सर्दी शुरू होने से पहले, एक होती है गर्मी शुरू होने से पहले। तो नवंबर में एक फ्लावरिंग आपको मिलेगी, एक मार्च में मिलेगी। तो दो बार ये फ्लावरिंग प्लांट देता है। तो दोस्तों इसकी जो स्टिक होती है वो बहुत नाजुक होती है, तो जब भी आपकी ये स्टिक निकलने लग जाए तो आप देख लीजिए, तो इसको किसी चीज़ से सहारा दे दीजिए, क्योंकि इतने दिनों बाद ये स्टिक निकलती है तो हम नहीं चाहते हमारी स्टिक हवा के कारण टूट जाए, एक तरफ बैंड हो जाए और हमारी फ्लावरिंग ना हो पाए। दोस्तों इसका फ्लावर मानो इतना खूबसूरत फ्लावर होता है कि हम इस फ्लावर को जब देखते हैं तो हमारा दिल बहुत ही खुश हो जाता है। दोस्तों और इसके बात अगर करें तो इसे हमें जैसे इसका टाइम आता है तो हमें इसे खाद देती रहनी चाहिए। खाद देने से काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होती है, कलर भी बहुत अच्छे हमारे फ्लावर के निकल के आते हैं। तो दोस्तों कुछ दिन बाद इसमें सीड भी बनने शुरू हो जाते हैं, तब आप चाहें तो इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि सीड से पौधा तैयार होने में बहुत टाइम लगेगा, उसमें फ्लावरिंग होने में भी टाइम लगेगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।